नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी, दमदार एक्शन वाले ऐसे 20 स्टॉक्स जो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आपके पोर्टफोलियो में अगर हूं तो कमाई के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे। मैं हूं रजत, मेरे साथ कम्पीट करेंगे डिम। बिल्कुल, आज का दिन भी ग्लोबल मार्केट के संकेत जरा खराब नहीं, बल्कि सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में दिख रहा है। हो सकता है शुक्रवार के दिन भी आपको जो मार्केट का मोमेंटम है वो बरकरार ही दिखे, इसलिए कोई सेलिंग का कोई खास बड़ा संकेत तो कम से कम नहीं है। हाँ, अगर आपको बाइंग करनी भी है, हो सकता है आज मार्केट एक छोटी रेंज में रह जाए आज शुक्रवार का दिन, क्योंकि हफ्ते भर की क्लोजिंग होगी। कल वीकली एक्सपायरी ऑलरेडी कट चुकी है, बड़ा मूव मार्केट का आ चुका है, कुछ ट्रिगर्स अभी ड्यू हैं, जैसे कई कंपनीज के नंबर्स आने हैं, आज शाम को इन्फोसिस के नंबर आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो मार्केट थोड़ा सा रेंज में भी रह सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस सभी स्टॉक्स का फायदा आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बेहतर रिसर्च कुछ आंकड़ों पे और कुछ नंबर्स पे, कुछ खबर पे, सभी पे हमने एनालिसिस करके आपके सामने शेयर रखे हैं। जल्दी से पहले जरा ग्लोबल मार्केट के आंकड़े देख लें, उसके बाद फिर शेयर्स का सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले एसजेक्स निफ्टी से शुरुआत करेंगे। बढ़त एसजेक्स निफ्टी में जो दिख रही है वो ठीक ठाक है, ये 20 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ इस समय एसजेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और जो ग्लोबल मार्केट्स में आप एशियन मार्केट्स देख रहे हैं, डॉ फ्यूचर्स देख रहे हैं, वहां पर भी बढ़ती है। ये आंकड़े अभी आपके स्क्रीन के सामने आते हुए 19 अंकों की बढ़त इस समय 11,042 का स्तर। ऑलमोस्ट हमने कल 11,075 के आसपास का निफ्टी का एक बार हाई बनाया था, थोड़ा लास्ट के घंटे में सेलिंग आई थी, आज मार्केट शायद उसी सेलिंग को वापस से रीगेन करने के वहां पे वापस पहुंचने की कोशिश होगी। बेस क्या होगा? बेस होगा 11,000। थोड़ा और पॉलिटिकली या टेक्निकली करेक्ट हो जाए तो बेस हो सकता है 10,880। तो ये मार्केट का मोटी मोटी रेंज हो सकता है आज के बीच में बनती हुई दिखे। खैर, आपको एनालिसिस अगले कार्यक्रम में मिल ही जाएगा कैसे ट्रेड लेना है, लेकिन इस बीच जरा एक ये देख लेते हैं कि इस समय एशियन मार्केट्स कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसका इमीडिएट इंपैक्ट आप पे ज़्यादा पड़ेगा। जैपनीज मार्केट आज फिर से करीब 1.5% की मजबूती के साथ काम करते हुए, और जो बाजार खुले हैं उन सब के अंदर भी आज बढ़त ही देखने को मिल रहा है। हांगकॉन्ग का बाजार, इनके हैंगसेंग, ये भी करीब 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग, उसके अहम पॉइंट्स क्या थे वो आपको रजत बता देंगे, और मैं साथ ही साथ आपको डॉ फ्यूचर्स भी दिखा देता हूं, ताकि बाजार के खुलने से ठीक पहले जिस समय शेयर की चर्चा कर रहे हो आपके पास पूरा आंकलन होना चाहिए। ये यूएस मार्केट की कल की क्लोजिंग है, बेहतर क्लोजिंग, 1% की मजबूती हमको नैसडैक डॉ फ्यूचर्स पे आती हुई दिखी है। कल भारतीय बाजार वाला मोमेंटम कल वहां पर भी था, टिपिकली पुलबैक का सेगमेंट था कल। अब आते हैं डॉ फ्यूचर्स पे कि आज शाम को जो हमको संकेत मिलेंगे प्लस इन्फोसिस का जो आंकड़ा होगा, ये दोनों चीजें मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट दिखाएंगी। अभी इस समय डॉ फ्यूचर्स करीब 1/4% की मजबूती के साथ ट्रेड करने हैं, तो बेहतर साइन है। ग्लोबल मार्केट से कोई चिंता नहीं है, यूएस मार्केट से 3-4 बड़ी क्या बातें रही है वो आपको रजत बता रहे हैं। रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग थी नैसडैक की, जबरदस्त एक्शन था कल आईटी सेक्टर में। इनफैक्ट दो शेयर्स तो तेज थे, अमेजन और फेसबुक के शेयर्स जबरदस्त तेजी पकड़े हुए थे, उनकी वजह से यहाँ पर नैसडैक चढ़ता हुआ नजर आया। क्रूड हालांकि कल 1% के आसपास उछल गया, एक बाउंस बैक था, बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो इक्विटी मार्केट्स हैं इसमें, चाहे अमेरिकन मार्केट्स देख लें चाहे इंडियन मार्केट्स, अब नए लाइफ टाइम हाईस टच कर रही हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डिप आएगी ट्रेडर्स तो वो तेजी की साइड पे पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, वो तेजी की तरफ हो सकती है, किसी भी डिप में इस्तेमाल आज किया जाएगा। तो शेयर्स के सिलसिले को शुरू करें, मेरी तरफ से आज का जो पहला शेयर दिया गया है वो है PVR का। कल हमने क्लोजिंग में भी डिस्कस किया था सिमी के साथ, हालांकि सिमी का इस पर बहुत बड़ा कन्विक्शन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि यहाँ एक छोटा पुल बैक इसके अंदर आ सकता है। कल राजेश सतपुते की तरफ से भी ये शेयर दिया गया था वहाँ को 12:30 बजे के शो में, तब भी हमने इसके डेरिवेटिव्स के डाटा देखे थे, तो ये शेयर थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके बाद दो बड़ी वजह, एक तो आज शुक्रवार का दिन, वैसे भी आप सिनेमा वाले शेयर्स और जो इस तरह के शेयर सेगमेंट वाले शेयर्स हैं एंटरटेनमेंट के, उसमें आप ध्यान रखेंगे। संजू की कलेक्शन काफ़ी अच्छी हुई है इस बार, और साथ ही साथ अब सूरमा भी लॉन्च हो रही है, तो सूरमा और संजू ये दो अच्छी फिल्में हैं जिसका कलेक्शन अच्छा होगा, और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन भी है, तो उसमें 2-3 मूवीज़ और भी रिलीज होने का प्लान है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस समय PVR के लिए। एक और चीज़ जो आपको कल रजत बता रहे थे कि इन्होंने जो खाड़ी देशों में करार किया है बाहर की कंपनी के साथ, लग्जरी स्क्रीन लगाएंगे वहाँ पर, उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट में डिस्काउंट होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है ये, कल 1400 के आसपास है, एक बार ये 1400 पार करेगा आप देखेंगे इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, इसलिए 1430 तक का टारगेट रखे हैं, 1385 पहला टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा। इंडिगो ये दूसरा एक और शेयर है हमारी तरफ से, आप जिस पे ध्यान रखें, कल का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था, हालांकि जिस समय बाजार टूट रहा था उस समय चल रहा था, कच्चे तेल का रिएक्शन तो जो शुरुआत में आया था बाद में धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन इंडिगो में ये बढ़ा और लास्ट में करीब 4.5% शेयर ऊपर जाके बंद हुआ है 1124 पे, एक बार तो उसने 5% के भी आंकड़े को पार कर लिया था। आज ये मोमेंटम वापस से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसका एक और पीयर वो बैन में चला गया, जेट एयरवेज,
तो आज इंडिगो के अंदर आप मोमेंटम देख पाएंगे। 1150 तक का टारगेट रखें, 1120 का एक स्टॉप लॉस रखें। इंडिगो आज हमारी तरफ से दूसरा शेयर है। चलिए लेकिन मैं शुरुआत करूंगा एचसीएल टेक के साथ। जिस खबर का इंतजार था वही खबर आई और जो जी बिजनेस का अनुमान था बिल्कुल उसके मुताबिक आई। एचसीएल टेक ने बायबैक को मंजूरी दे दी। 3.6 करोड़ शेयरों का बायबैक कर रही है कंपनी और जो भाव तय किया गया है वो है 1100 रुपए प्रति शेयर। इसी शो में आपको बता दिया गया था कि 1100 के आसपास का ही बायबैक प्राइस होगा जो एचसीएल टेक डिक्लेयर करेगी, लेकिन इसमें 3.6 करोड़ शेयरों का बायबैक है और कुल मिलाकर 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस बायबैक के लिए। वहां से अभी प्राइस बहुत नीचे है तो कहीं ना कहीं तेजी की संभावना ज्यादा हो जाती है। 1035 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें एचसीएल टेक में और 1000 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अभी कुछ ही देर में आपको ये भी बता देंगे क्या बायबैक में टेंडर करना आपके लिए फेवर में होगा अगर आपने कैश में अभी खरीद लिया तो। लेकिन फिलहाल आज के हिसाब से अगर ट्रेडिंग करनी है तो 1000 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 1035 का एक टारगेट एचसीएल टेक पे। टाटा केमिकल ये एक स्टॉक है जो दमदार एक्शन में। हो सकता है कि आज वीकली क्लोजिंग काफी बेहतर टाटा केमिकल की होती हुई नजर आए। शॉर्ट कटे कल 2% के आसपास की फिर से ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला और हम देख रहे हैं कि इस बार डेरिवेटिव सीरीज जब से स्टार्ट हुई तो कुछ ऐसे चुनिंदा कंपनियां जिसमें बहुत ज्यादा मंदी की पोजीशंस कैरी हुई थी वो अब घटनी शुरू हो गई हैं सीरीज के स्टार्ट में ही, जिसमें टाटा केमिकल एक बेहतर स्टॉक है। दो महीने की गिरावट के बाद ये महीना बेहतर गुजर रहा है इसके लिए। 730 का अगला टारगेट है और 705 टाटा केमिकल पे एक स्टॉप लॉस लगाकर चले। ठीक है, तो ये हो गया दो शेयर रजत की तरफ से। एक और शेयर आज हमारी शीट में ज़्यादातर आपको फ्रंट लाइन डेरिवेटिव्स के शेयर मिलेंगे क्योंकि मिड कैप के अंदर वो मोमेंटम नहीं है जो होना चाहिए। कल 11000 के आसपास भी हम देख रहे थे कि ज़्यादातर मिड कैप शेयर अपने हाई से थोड़ा नीचे ही बंद हो रहे थे। आप L&T पे एक बार और ध्यान रखिएगा, ये आज मार्केट का लीडरशिप ले सकता है क्योंकि आज इसने 1300 के लेवल को अगर एक बार पार किया तो उसके बाद अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, कम से कम 15 से 20 रुपये तो जोड़ ही लेगा। इसलिए शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा आप भी उठाइएगा। आज एम मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना, 1300 के लेवल के ब्रेक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट से ठीक है। L&T के अंदर शॉर्ट कवरिंग आनी है और ड्यू है जो भी बाकी है, तो आप इसका फायदा लें। आज 1320 का टारगेट रखेगा, 1290 का एक स्टॉप लॉस रखें। एक और शेयर है जो कि आज फिर से मोमेंटम में रहेगा, FMCG का अच्छा प्ले है, हमने कई बार आपके सामने वो शेयर रखा, वो है कोलगेट। आज फिर से आप इस पर ध्यान रखें। कल हम जब एक शो कर रहे थे MNCs वाला, जिसमें हमने ये बताया कि जो ग्लोबल कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत में पताका फहराया, उसमें इसके बारे में भी आपको हमने जानकारी दी थी कोलगेट के बारे में। इस शेयर के अंदर 74% की कैश डिलीवरी है, ये तो इंडिकेट कर रहा है शेयर जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं। अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये देखना है। चलने के लिए क्या होगा कि इसके अंदर वॉल्यूम चाहिए और थोड़ी एवरेजेस का बेस चाहिए, वो बना हुआ है इसके पास। अच्छे वॉल्यूम के साथ कल इसकी क्लोजिंग हुई है करीब 0.5% के आसपास। ब्रेकआउट का कैंडिडेट ऑलरेडी है, ये ब्रेकआउट फेल हो नहीं रहा है इसका। बार बार नीचे आने पर भी अपने ब्रेकआउट 1130 के ऊपर ही बना हुआ है ये, तो 1165 का एक बार टारगेट रखें, 1145 का एक स्टॉप लॉस रखें। कोलगेट एक और शेयर है हमारी लिस्ट में जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला शेयर है शांति गियर्स। कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप कंपनी ऐसी जहां पर तगड़ी रफ्तार देखने को मिली कल के सत्र में और हो सकता है कि वीकली क्लोजिंग और बेहतर लेवल्स पे हो, उसमें शांति गियर्स शामिल है। कल 4.5% उछल गया और वॉल्यूम जबरदस्त थे, 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले इस स्टॉक में। तीसरे दिन लगातार तेजी के सौदे बनते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि आज बेहतर ट्रेड साबित हो अगर आप तेजी का बनाएं तो। 136 से 137 ये आज के दिन का एक टारगेट रखे शांति गियर्स और स्टॉप लॉस 130 का कल की क्लोजिंग के हिसाब से लगाना होगा। एक स्टॉक जो कल आपको बताया गया था बैंस बेनिफिट में वो है जेट एयरवेज। कल बता दिया गया था 3 बजे कि ये शेयर बैन में जाने वाला है, तो आज आप अगर सौदा कोई भी FNO में क्रिएट खड़ा करेंगे तो उसको आप कैरी नहीं कर सकते, कैरी करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन इसमें शॉर्ट कटने के यानी कि मंदी की पोजीशन कटने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये महीने दर महीने टूटा है स्टॉक, 600 से लुढ़कता लुढ़कता 344 पे आ गया। अब यहाँ पर मंदी के सौदे नहीं खड़े हो सकते पोजिशनल बेसिस पे, तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जेट एयरवेज को मिल सकता है। मंदी की वजह से बैन में गया है, शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, शॉर्ट कवरिंग आई तो पहला टारगेट होगा 352 का। 352 के ऊपर निकलता है तो तगड़ी रफ्तार पकड़ लेगा और कच्चे तेल में गिरावट तो एक ट्रिगर है ही एविएशन स्टॉक्स के लिए। 340 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन बनाते हैं तो 352 का पहला टारगेट जेट एयरवेज। अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देख लेते हैं आज का EPS शेयर कौन सा है। EPS शेयर की कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें आपको ये तो तय हो जाएगा कि इसमें प्रॉफिट आपको मिल सकता है, तो एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर जो है वो EPS शेयर की कैटेगरी में होता है और इसमें बाटा आज हमारी तरफ से है। आप इस पर ध्यान रखें, असल में इसकी मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, ये 2 दिन से अपने ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। ये हो सकता है आज के सेशन में क्योंकि आज इस हफ्ते का आखिरी सेशन है और थोड़ा बहुत पुलबैक और ड्यू है, तो आज जो थोड़े रुके हुए शेयर हैं जो पिछले 2 दिन से ब्रेकआउट की वेट में है शायद उनमें आ जाए। ये फर्स्ट हाफ में हो सकता है, सेकंड हाफ में होगा, लेकिन जब भी होगा वो एक तरफा होगा, थोड़ा सा तेज़ भी होगा
उसमें आप देखेंगे कि बाटा हो सकता है 8-9 रुपया एक दो मिनट चार मिनट के अंदर ही चल जाए, तो इस तरह का थोड़ा मूव, इस तरह के डाटा हमको बनता दिख रहा है। एक बार आप 850 का टारगेट रखेगा, 830 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए, इसमें कोई खबर नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी ये जो मोमेंटम है, स्क्रीन रीड हमने किया, इसके जो लेवल्स हमने देखे, उस बेसिस पर हमको लग रहा है कि एक बार पुल बैक इसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अभी भी सिस्टम में थोड़ा सा बाकी है। आप एक बार 830 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बार सौदा खड़ा कीजिए, 850 का टारगेट होगा। चलिए, लेकिन मेरे रडार पर है जमुना ऑटो, जहां पर आज IDBI कैपिटल की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट बहुत बेहतर साउंड कर रही है। फेयर वैल्यू जो स्टॉक की समझ रहे हैं वो है 107 रुपये प्रति शेयर, और उनका ये कहना है कि FY20 तक तगड़ी रफ्तार में रहेंगे इनके नतीजे, जिसमें जो रेवेन्यू है आय यानी कि वो 19% सालाना ग्रोथ दिखा सकते हैं, और FY20 तक EBITDA 25% बढ़ सकता है, मुनाफे में 30% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और EBITDA 25% सालाना बढ़ सकता है। तो जब भी ऐसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसमें रेवेन्यू, EBITDA और मुनाफा बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो स्टॉक ट्रेडर्स नहीं छोड़ते, तेजी की पोजीशन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। कल के सत्र में टूटा था, आज पलट सकता है, 86 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और 93 से 94 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं जमुना ऑटो। जल्दी से रीकैप आपके सामने रह लेते हैं, जो पहले 5 शेयर दिए गए उसमें PVR होगा हमारे तरफ से पहला शेयर है, 1430 तक का इसमें टारगेट है, संजू की बेहतर कलेक्शन, सूरमा का नया मूवी आ जाना, और ये रक्षाबंधन की तरफ बढ़ता हुआ सीजन, इसका फायदा PVR को ज़रूर मिलेगा, और ग्लोबल प्रेजेंस भी अब इनकी बढ़ रही है। इंडिगो पर भी आप ध्यान रखें, कल के सेशन में जब क्रूड के ज़्यादातर बेनिफिशियरी नीचे आ रहे थे, चल रहा था, आज मोमेंटम वापस मिलेगा, 1150 का टारगेट होगा। LNT इस पर भी आप ध्यान रखें, आज 1300 की रेंज को पार करते 20 रुपये ज़रूर जोड़ेगा शॉर्ट कवर के नाम पे, इसलिए 1320 है, 1300 का जो अहम स्तर है वो आज पार कर सकता है ओपनिंग में ही। कोलगेट इस पे भी आप ध्यान रखें, 74% की कैश डिलीवरी और FMCG का बेहतर प्ले, इसके अंदर ब्रेकआउट भी है जो कि अब तक ब्रेक नहीं हो रहा है, आप इसके अंदर चाहें तो 1165 का एक टारगेट रखें। बाटा ये एक अच्छा प्ले है, पिछले 2 दिन से ब्रेकआउट की वेट करते वाला शेयर, आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी में है, आज हफ्ते का आखिरी दिन है, हो सकता है बाटा के अंदर आज एक मूव आ जाए, 830 का एक स्टॉप लॉस रखें, 850 का टारगेट रखें, एक बार खरीदारी कीजिए। शुरुआत मैंने HCL टेक्नोलॉजीज के साथ की है, क्योंकि बायबैक अनाउंस किया है 3.6 करोड़ शेयरों का, और जो बायबैक प्राइस है वो है 1100 रुपये प्रति शेयर का, यहाँ से ऊंचा है बायबैक प्राइस, तेजी की संभावना ज्यादा समझें आप, 1035 के लक्ष्य के लिए खरीदें और 1000 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। टाटा केमिकल इस हफ्ते बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक है डेरिवेटिव्स में, कल भी शॉर्ट कवरिंग थी, अब 730 के लक्ष्य के लिए खरीदें। शांति गियर्स कल चल पड़ा और वो भी वॉल्यूम के साथ, 136 से 137 का टारगेट और 130 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। जेट एवेज FNO बैन में है लेकिन मंदी की वजह से, और हो सकता है कि आज मंदी के जो सौदे हैं वो कटें FNO बैन की वजह से, तो आज आप पोजिशनल बेसिस पे इसमें सौदा नहीं खड़े कर सकते, लेकिन इंट्राडे ट्रेड किया जा सकता है। जेट एवेज पे 352 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें और 340 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और जमुना ऑटो IDBI कैपिटल की रिपोर्ट के आधार पर 107 की फेयर वैल्यू है, वहां से नीचे है ये स्टॉक, 93 का टारगेट रखें और 86 का स्टॉप लॉस जमुना ऑटो पे। आगे बढ़ते हैं, और हो सकता है कि मिड कैप IT प्ले हो मार्केट में आज, जिसमें माइंडट्री मेरे पोर्टफोलियो में अगला शेयर है जहां पर तेजी बन सकती है और तेजी बन भी रही है, पिछले कुछ दिनों का डेटा बहुत स्ट्रांग है माइंडट्री का, और कल तो जितने मंदी के पोजीशंस बची थी वो भी कटती हुई नजर आई, 2.6% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली, तो अब इन लेवल्स पे यहाँ पर तेजी की संभावना ज्यादा हो जाती है डेरिवेटिव मार्केट पे। इससे IT स्टॉक्स मजबूती में है, 1092 के टारगेट के लिए माइंडट्री खरीदा जाए तो 1065 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने सौदे पे लगाना होगा। और दूसरा रेडिको खेतान, देखिए कल के सत्र में जरूर टूट गया, और कल कुछ लिकर स्टॉक्स खास प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वीकेंड है तो हो सकता है पलट जाए। और दूसरा HDFC सिक्योरिटीज की एक राय आई है रेडिको खेतान पे, जिनका वो उनका मानना है कि ये जो इंडियन मेड फॉरेन लेकर कंपनियां हैं वहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसमें रेडिको उनकी टॉप पिक है। आज के लिए वो 382 के इनफैक्ट पोजिशनली वो बेहतर टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 473 का लेवल IDBI कैपिटल रख के चल रहा है रेडिको खेतान पे, लेकिन क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो आपको तेजी बनानी है 382 के टारगेट के लिए, और 365 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा रेडिको पे। एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में आ चुके वही वादा का शेयर है, वो है टाटा स्टील। आप इस बार इस पर भी ध्यान रखें, मेटल के शेयरों में जो कल हमने थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखा था उसमें स्टील के शेयर नहीं टूटे थे, उसमें जो नॉन फेरस हैं जिसमें लेड से जुड़े हुए या कॉपर से जुड़े हुए शेयर्स हैं, जैसे कि वेदांता, वो कॉपर से जुड़ा हुआ शेयर्स है, उसके अंदर तेज गिरावट आई, डे लो पे बंद हुआ, लेकिन टाटा स्टील के अंदर गिरावट का स्तर ज़्यादा नहीं था। तो मेटल के शेयरों में अगर आज कहीं भी सबसे पहले पुल बैक आएगा तो टाटा स्टील के अंदर आएगा, यानी कि फेरस वाले गुड्स के अंदर ही। आज क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन, इसलिए शॉर्ट कवरिंग, एक्चुअली क्या है ना, आज मार्केट में वो शेयर थोड़े आपको ज़्यादा चलते हुए देखेंगे जिनके पास कोई ना कोई ट्रिगर था, रुके हुए अपने प्राइस के साथ, आज उनमें थोड़ा मूव आएगा, जो ऑलरेडी चले हुए शेयर्स हैं उनमें टेंडेंसी थोड़ी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है। एक बार टाटा स्टील पे ध्यान रखें, कोशिश ये करेगा आज 560 को पार करने की, तो 565 पहला टारगेट होगा, 552 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी कीजिएगा। अगर आप कोई ऑप्शन ले लेते हैं तो और बेहतर होगा,
हालांकि लास्ट की क्लोजिंग में भी हमको सिमी भौमिक की तरफ से दी गई कॉल थी है। टाटा स्टील एक बार जरूर ध्यान रखें। अगला एक और शेयर है वोल्टास, ये भी खपत वाले शेयरों में से एक है। हालांकि मॉनसून का सीजन है लेकिन उसके बावजूद भी वोल्टास के शेयर के अंदर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें ये अपने अपने स्ट्रक्चरली और बेहतर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि बीच में खबर भी थी कि इसको शायद इसमें कुछ हिस्सेदारी बेची जाएगी लेकिन वो खबर वापस से अभी सिस्टम में तो नहीं है। लेकिन इसका कल का डेरिवेटिव का डाटा, कल का टेक्निकल बेस ये इंडिकेट करता है कि ये शेयर थोड़ा आज भी मूव दिखाएगा। अब 555 रुपये का टारगेट रखेगा, 542 के बाद जो कल की तेज़ी बनी है करीब 1.5% के आसपास की, ये फिजल आउट हो जाएगी। तो इसलिए आपका एक चीज़ का फिक्स रखना है कि 542 का मेरे को एक स्टॉप लॉस रख लेना है पहले। 550 से 555 की रेंज आपके प्रॉफिट की रेंज है, कहीं भी आप बुक कर लीजिए इसको। तो वोल्टास एक और शेयर है हमारी तरफ से, टाटा स्टील और वोल्टास इन दोनों पर ध्यान रख सकते हैं आप। लेकिन ऑटो बैक कल पिछड़ रहा था, एक शेयर उसमें चढ़ रहा था वो था एस्कॉर्ट्स, और हो सकता है वीकली क्लोजिंग इसके भी बेहतर हो। कल 2% तेज हो गया लेकिन मंदी के सौदे यहाँ पर भी घटे और 6% ओपन इंटरेस्ट में गिरावट थी। 900 का लेवल पार कर गया तो दमदार एक्शन रहेगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 908 से 910 तो आसानी तक पहुंच सकता है, लेकिन 890 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और मानसून का सबसे बड़ा बेनिफिट एस्कॉर्ट्स में ऑटो सेक्टर पर आता हुआ नजर आ सकता है, इसको अपने रडार पर रखें। 908 से 910 का लक्ष्य आज के लिए लगाकर चल सकते हैं। दूसरा है अलाहाबाद बैंक। आमतौर पे पिछले कुछ दिनों में हमने इतने बैंकिंग स्टॉक्स इस शो में रिकमेंड नहीं किए, लेकिन अलाहाबाद बैंक पे आज एक न्यूज़ फ्लो है जिसका असर देखने को मिलेगा और वो है ये कि नॉन कोर एसेट्स में हिस्सा बिक्री पर विचार कर रहा है बैंक। बैंक जेवी में हिस्सा बेचने पर विचार कर रहा है और इसका एक सीधा बेनिफिट अलाहाबाद बैंक को आज तेजी के रूप में देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस पे तेजी एक्सपेक्टेड है लेकिन टारगेट्स आपको छोटे रखने होंगे, कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। 41 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें और 43.50 आज का दिन का टारगेट अलाहाबाद बैंक पे रखकर चल सकते हैं। एक और शेयर जो हमारे लिस्ट में है, कल वो डे हाई पे जाके बंद हुआ था, वो था एस्ट्रापोली। एस्ट्रापोली की एक यूनिट राजस्थान में शुरू भी हो रही है और आगे चल के इनको एक एक्सपोर्ट का बड़ा बेनिफिट भी इनके हाथ में है। आखिरी घंटे में वॉल्यूम के साथ ये करीब 4% ऊपर जाके बंद हुआ था। आज ये शेयर वापस से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। ये पाइप बनाने वाली कंपनी है और आपको मालूम है चाहे इरीगेशन हो या फिर गैस पाइप्स हो या फिर वाटर से जुड़े हुए पाइप हो या फिर उसके अंदर आप जब फाइबर ऑप्टिकल में बिछाते हैं उसके अंदर जो पाइप इस्तेमाल होते हैं उन सभी के अंदर एस्ट्रापोली का एक बड़ी रेंज है। एस्ट्रापोली के अंदर एक बार आप ध्यान रखें, 1085 का आज का टारगेट है। कल के मोमेंटम को शायद आज फिर से कंटिन्यू करेगा, 1060 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। एक और शेयर हमारे आज लिस्ट में है वह है बजाज कॉर्प। बजाज कॉर्प के अंदर हालांकि हमको थोड़ा गिरावट बनते हुए दिखी लेकिन उसके बाद आज ये एक पुल बैक दिखा सकता है। ये पुल बैक के अंदर इसका मोमेंटम इसलिए बनेगा क्योंकि मानसून अप्रोच कर रहा है, बेहतर मानसून का फायदा इसके अंदर होगा। 425 का टारगेट रखें आप इसके अंदर और 410 का एक स्टॉप लॉस रखें। 410 का एक स्टॉप लॉस के बाद अगर ये हिट हो जाता है तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगा, नहीं तो बना रहा ये पक्का दौड़ लगाएगा और 425 तक भी पहुंच सकता है बजाज कॉर्प। हालांकि बड़ा मूव दिखाता है, हमने टारगेट बहुत ही कंजर्वेटिव होकर रखे हैं, बहुत ही छोटे रखे हैं, आप एक बार इस पर जरूर ध्यान रखें। बजाज कॉर्प एक और शेयर है हमारी तरफ से। नतीजों से पहले वैसे भी FMCG स्टॉक्स कहीं ना कहीं रडार पर हैं इसमें ब्रोकिंग हाउसेस के, लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आज ही आपको अपने रडार पर रखने हैं आज के सुपरहिट शेयर्स देखिए। एक्सिट टेक ने बायबैक ऑफर अनाउंस कर दिया, TCS का बायबैक ऑफर चल ही रहा है, नतीजे शानदार थे, इन्फोसिस के आ जाने वाले हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप IT को भूल नहीं सकते, तो मैंने ट्रिगर उसी आधार पर पकड़ा है। और एक कंपनी जिसके नतीजे बेहतर रह सकते हैं वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, इसको भी रडार पर रखना चाहिए। हो सकता है कि जो अगले हफ्ते यहाँ पर कंपनी के नतीजे आने वाले हैं 17 तारीख को, उसमें बेहतर नतीजे कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंटली देखिए आप पिछले 3 तिमाही से इसने बेहतर नतीजे ही डिलीवर करे हैं और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर साउंड नतीजे कंपनी पोस्ट करेगी। 395 ये आज के दिन का टारगेट न्यूक्लियस पे लगाना होगा आपको और 380 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजिशन बनाए, लेकिन तेजी 383-384 के ऊपर ही आज सजेस्टेड होगी। आज का हमारा सुपरहिट शेयर हमारी एक ग्रुप कंपनी है जी एंटरटेनमेंट डिस्क्लोजर के साथ, कि ये जो हमने आंकड़े पढ़े हैं सिर्फ डेरिवेटिव्स के आंकड़े हैं और एक रिपोर्ट भी आई है मैक्वारी की जिसमें आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है। उन्होंने टारगेट दिया है वो 675 का दिया गया है। आप एक इसके अंदर एक बड़ा मूव एक बार देख सकते हैं आज, क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल है 550 का, ये पार होगा तो उसके बाद एक नया मूव आएगा। कल के शेयर कमज़ोर था, परसों जब हमने वापस एक अच्छा बेस बना रहे थे तब भी ये शेयर कमज़ोर था, तो दो दिन की कमजोरी को आज कैप करेगा। इन बिटवीन मार्केट ने 11,000 लगा दिया, ये इंडेक्स का हिस्सा है,
उसके बावजूद भी ये शेयर अभी चला नहीं, तो आज इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग बन सकती है क्योंकि अब जो शॉर्ट्स का प्रेशर था वो काफी हद तक रिलीज होता हुआ दिखेगा, इसलिए शॉर्ट कवरिंग का प्रबल दावेदार। 526 का एक स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट, 550 के बाद ही इसके अंदर एक नए लेवल देखने को मिलेंगे। वैसे भी जब इस तरह का मार्केट हो तो मीडिया वाला सेगमेंट जिसमें इसकी अच्छी वेटेज है वो शेयर एक बार चलने लगते हैं। 550 का टारगेट, डिस्क्लोजर भी है कि हमारी ग्रुप कंपनी है, इसलिए हमने जो आंकड़े एनालिसिस किए सिर्फ उसी के बेसिस पर ये शेयर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से 10 शेयर देखें, तो रजत आपको पहले 10 शेयर कौन से हैं? चलिए, जो शुरुआत मैंने की है आज HCL टेक के साथ की है क्योंकि बायबैक अनाउंस कर दिया कंपनी ने और 3.6 करोड़ का बायबैक 1100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कर रही है, जिसपे 4000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है HCL टेक्नोलॉजीज। आज के दिन में चढ़ा तो 1035 का टारगेट रखें और 1000 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। टाटा केमिकल 2 महीने की गिरावट के बाद इस महीने पलटा है, आज भी तेज हो सकता है, वीकली क्लोजिंग है 730 का लक्ष्य एक्सपेक्टेड है, 705 का स्टॉप लॉस। शांति गियर के वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग थे कल, अब 136 से 137 पहुंचने की प्रोबेबिलिटी तेज है। और जेट एवेज FNO बैन में है तो इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनली नहीं कर सकते, लेकिन मंदी की पोजीशंस की वजह से ज्यादा बैन में जाने इसमें गया है ये स्टॉक, तो हो सकता है कि आज मंदी की पोजीशंस कटती हुई नजर आए, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं इसे। जेट एवेज आज 352 तक के टारगेट्स और 340 का स्टॉप लॉस रखें। जमुना ऑटो, यहां पर 93 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, हालांकि IDBI कैपिटल के रिपोर्ट के हिसाब से 107 रुपए फेयर वैल्यू है जमुना ऑटो की। माइंडट्री आज मिड कैप IT प्ले हो सकता है, 1092 का लक्ष्य है, 1065 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी बनाए। रेडिको खेतान पे HDFC सिक्योरिटीज के रिपोर्ट 473 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाव, हमारा आज का टारगेट है 382। और एस्कॉर्ट्स और अलाहाबाद बैंक दोनों ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न्स दिला सकते हैं। सुपर हिट शेयर्स न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, जिसके नतीजे अगले हफ्ते हैं और नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है, 395 का टारगेट, 380 का स्टॉप लॉस। हमारी तरफ से आज के जो 10 शेयर है उसमें पहला शेयर होगा PVR, संजू की बेहतर कलेक्शन, सूरमा जैसी नई मूवीज का रिलीज होना और आने वाले दिनों में IFFCO के फेस्टिवल सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका फायदा मिलेगा। आज 1430 का टारगेट। इंडिगो, कल जब कच्चे तेल से जुड़े हुए शेयर्स आखिरी घंटे में थोड़ा कमजोर हो रहे थे, इंडिगो उसके उलट चल रहा था, तेज हो रहा था, 1150 का टारगेट रख के आज खरीदारी करें, 14 इंपॉर्टेंट है इसके लिए। L&T 1320 आज इसके अंदर आ सकता है क्योंकि 1300 पे ही ये बंद हुआ है, आज L&T कमान संभाल सकता है इंडेक्स को मैनेज करने की, आप इस पे ध्यान रखें। कोलगेट के अंदर 74% की कैश डिलीवरी, ब्रेकआउट का शेयर है, FMCG का एक शेयर अगर आप रख रहे हैं तो एक बार कोलगेट को ध्यान में रखें। बाटा, खपत वाले शेयरों के अंदर अच्छी खरीदारी है और दो दिन से जो रुका हुआ ब्रेकआउट है 850 की तरफ बढ़ता हुआ बाटा दिख सकता है आपको, 830 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। टाटा स्टील, इस पर भी आप ध्यान रखें, जो मेटल के शेयर जो कल कमजोर रहे थे उसमें स्टील वाले शेयर के अंदर पुल बैक देखने को मिल सकता है, आज उसमें 565 का टारगेट टाटा स्टील का होगा। वोल्टास और एस्ट्रापॉली, वोल्टास के अंदर भी अच्छा बेस है एक अच्छी खासी खरीदारी का, लेकिन एस्ट्रापॉली जो एक्सपेंड कर रहा है अपना कारोबार उसके अंदर आज फिर से तेजी मिलेगी। बजाज कॉर के अंदर 410 का एक स्टॉप लॉस रखें, 425 का टारगेट होगा। और आज का सुपर हिट शेयर है जी एंटरटेनमेंट, ये दो दिन की कमजोरी के बाद आज पुलबैक दिखा सकता है क्योंकि लगातार मार्केट के अंदर जो तेजी है उसके अंदर आज शॉर्ट स्क्वीजिंग थोड़ी सी देखने को मिलेगी, 550 का टारगेट है।